आप देख रहे हैं कुबेर भूमि और मैं हूं आपके साथ हर्षता मिश्रा। धान खरीदी की तैयारियों के साथ बेमेतरा जिले के विभिन्न खरीदी केंद्रों में आज धान खरीदी की शुरुआत हुई है। बेमेतरा जिले में 120 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। आज धान खरीदी के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। एक तरफ किसान धान बेचने के इंतजार में थे, वहीं आज जब धान को लेकर किसान सोसाइटी केंद्र में पहुंचे तो धान की क्वालिटी देखकर प्रबंधक ने किसान का धान लेने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर किसान परेशान है। और वहीं शुरुआती दौर में बारदाना 75% की उपलब्ध है, लेकिन जैसे जैसे धान खरीदी सोसाइटी केंद्रों में बढ़ेगी तो बारदाने को लेकर मामला एक बार फिर से गर्म हो सकता है। देखना होगा कि सरकार किसानों के लिए इन समस्याओं पर किस तरह का निर्णय लेती है। बेचे लाए हम धान ला मट्टी है से के नहीं लेते आप इस लोग अब गरीब आदमी हम कहाँ लेंगे। कितना सारा धान लाए कतर धान लाने धान घर के आए हम ओला कलर ला मतलब डिफेंस करते कि कलर है नहीं है कलर को धान वापस कर ले इसके बोला सर वो है तो मैं कहा उत्पादन कहाँ से करूँ जब जेन जेन हवा तेना लाए हवा सामने में दुख दू कर खेती वाला है मैं कहाँ से दूसरा धान ला बदलाव लाऊ बता तो वो कहते धान ला नहीं ले सकता वापिस ले जाके बोला सर वो बारदाने की स्थिति क्या है। और बारदाना तो बस वही 25 बता रहे सर 70% 25% मात्र। कितना कट्टा धान लेके आए वही 80 का टारगेट के करीब है सर। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा भी अल्प वर्षा हुई है किसान धान काट रहे थे पानी गिरने के कारण हो सकता है धान थोड़ा कालापन आ गया है तो ऐसे भी धानों को नहीं लिया जा रहा है। किसानों को परेशान किया जा रहा है कि तुम्हारा धान काला है तुम्हारा धान गीला है सूखा नहीं है इस तरह से परेशान किया जा रहा है जबकि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान धान का उत्पादन करता है कलर नहीं जो है उसमें डालता है अगर काला है पीला है लाल है सफ़ेद है ये फैसला करने वाला तो भगवान है ना इंसान नहीं है। इंसान किसान सिर्फ पैदावारी करता है तो ऐसे सोसाइटियों में परेशान किया जा रहा है परेशानी करना बंद करें अन्यथा ऐसे सोसाइटी कर्मचारियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी।